ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली के अशोक विहार में एक कारोबारी और उसकी दोस्त की हत्या का मामला सामने आया है। पैसे की लेन देन में हुई है हत्या में कारोबारी के रिश्तेदार का नाम सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक वजीराबाद में एक गाड़ी में एक शख्स की लाश मिली। 15-20 लाख के लिए कोई इतनी दो जनों की जान ले नहीं सकता। उसको उसके ऊपर बोरी लग रखी थी, जूट की जो बोरी होती है, यहाँ से मलखूम के निशान थे और टायर के पास में बहुत बड़ी राड़ भी पड़ी थी। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा उस समय हुआ जब तिमारपुर इलाके में एक गाड़ी में बोरे में बंद लाश मिली। पुलिस जब नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक के घर पहुंची तो पता चला कि यह गाड़ी सुरेंद्र गुप्ता की है, लेकिन जानकारी में पता चला लाश उसके दोस्त अमित की है। बीती रात सुरेंद्र और अमित वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में संदीप जैन की फैक्ट्री में पैसे लेने गए थे। पुलिस ने संदीप से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने अमित और सुरेंद्र की हत्या की है। संदीप की फैक्ट्री से सुरेंद्र का शव लिफ्ट के नीचे बोरे में बंद मिला। संदीप जैन ने दोनों की हत्या कर शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। शुरुआती जांच में मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों को यह थ्योरी हजम नहीं हो रही। अभी ऐसे ऐसे गाड़ी लापता मिली है और उसमें कोई शख्स नहीं है, बोरा है कोई, और हमें उसमें लाश का डाउट है, तो हमें वहाँ ले गया गया तो वहाँ मेरे भाई के दोस्त की बॉडी मिली। और जब हमने जो सस्पेक्ट है उसका नाम बताया तब उसे थोड़ा आइडिया दिया, तो हमारे भाई की जब पुलिस से पूछताछ करी तो भाई की बॉडी शेड 62 में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लिफ्ट के नीचे दबी हुई मिली, बोरे के अंदर। मेरे भाई ने उससे लेन देन कर रखा था, हमारा स्टील का सामान देते थे तो उसका पैसे लेने थे, और उससे अलग भी है, मेरे को लगता है कि 15-20 लाख के लिए कोई इतनी दो जनों की जान ले नहीं सकता, कोई और वजह भी है, और एक जने का काम नहीं हो सकता क्योंकि कई जने इसमें शामिल होंगे। दोनों शरीर से 6 फुट के भारी भरकम अच्छे तगड़े इंसान थे जो जल्दी से किसी के हत्या नहीं चढ़ सकते, तो कई जनों का मिलके ये काम किया गया है, और पैसों के अलावा भी कोई वजह है। और जो ये लड़का है, सस्पेक्ट है, जिसने कबूला भी है, और ये मेरे भाई के साले का लड़का है, यानी इनका भतीजा भी लगता है, संदीप जैन, और दो लेबर ने मिलके कहा, ऐसे पुलिस वाले कह रहे हैं, बट हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा कहना का मतलब है कि कोई 15-20 लाख के लिए ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते, लेकिन हमारा कहना है कि मेरे भाई का नाम सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त का नाम है अमित गोयल, जिनका मर्डर हुआ है, हमारा यही कहना है कि इसके पीछे कोई और वजह है, उसकी पूरी छानबीन करे, और संदीप के पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि ये प्लान्ड करी हुई हत्या, पहले भाई, जैसे पुलिस वालों ने बताया कि पहले उसको ऊपर बुलाया गया, उसको मार के बोरे में डाल के लिफ्ट के नीचे फेंका गया है, उसके बाद उसके दोस्त को ऊपर बुला के बोरे में डाल के मर्डर करके वजीराबाद मेरे भाई की फॉर्च्यूनर में छोड़ा गया है। दो जिसम एक जान थी जी, एक जिगरी यार थे, जय वीरू मेरे भाई, एक किस्म से जय वीरू बोल सकते हो, आपके भाई और अमित गोयल, जिनका मर्डर हुआ है। इस हत्याकांड को संदीप ने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। हत्या धारदार हथियार से की गई। पुलिस ने इस मामले को महज कुछ ही घंटों में सुलझाकर संदीप और उसके 2 नौकरों को हिरासत में ले लिया है। अमित और सुरेंद्र दोनों ही दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले हैं। अमित के पिता को इसकी खबर देर सुबह लगी। अमित केवल सुरेंद्र का दोस्त था, आपस में दोस्त हैं, 10-12 साल से करीब, और साथ ही जाते थे, कहीं भी जब भी जाते थे, तो कल भी रूटीन में साथ के 12:30-12 एक बजे के आसपास, तो दिन भर हमने काम घूम रहे, ना तो हमने फोन किया ना वो करता था, अपनी मर्जी से वो कर लेता था, हम डिस्टर्ब नहीं करते थे, तो रात को मम्मी के पास फोन आया कि मम्मी मेरे लिए खाना बना कर रख दिया ना, मैं घंटा आधा घंटा लेट हो जाऊंगा। उसके बाद में कोई फोन नहीं आया, 10 बजे स्विच ऑफ कर दिया, उससे पहले नेटवर्क की वजह से नहीं मिला, लेकिन 10 बजे दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आए। फिर मैंने कहा मगा भी ऐसी क्या बात होगी बेटे, दोनों की बैटरी डाउन होगी, किसी से भी ले लेता है, लोकल कॉल में तो कोई पैसा भी नहीं लगता, वो हमारी जो सुरेंद्र गुप्ता के घर पर, तो जब उसकी मिसिज ने कहा जब मेरे घर पाए हैं तो मेरे आदमी यानी कि सुरेंद्र गुप्ता के साथ, तो अमित भी साथ होता है, तो वो फिर लेके मेरे घर पाए कि जी ऐसे जैसे मेरी मिसिज को हम सारे घर पर इंतजार देख रहे थे, तो बोला जी ये तो कोई ना कोई कांड है। फिर उसने बताया फॉर्च्यूनर में एक बोरी है, बोरी का भी जिक्र करें घंटे आधे घंटे के बाद में, तो भाई इस तरह करते 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 फिर हम वजीराबाद की तरफ गए, जब ये कन्फर्म ही हो गया कि भाई ज़रूर कोई ना कोई है पुलिस के, मेरा बेटा चले गया था पुलिस के साथ, हम फिर बाद में मेरा बेटा, मेरे छोटे बेटे ने देखा रवि गोयल ने, लेकिन उसको उसके ऊपर बोरी दक रखी थी, जूट की जो बोरी होती है, यहाँ से मलखून के निशान थे, और टायर के पास में बहुत बड़ी राड़ भी पड़ी थी, कम से कम इतनी बड़ी राड़ जो
रोड पपड़ी थी टायर के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी। मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को जानता हूँ या इसके दोस्त को जानता हूँ, सोनू को, सॉरी मोनू को। ऐसा कुछ नहीं, उनका आपस में जो भी होगा लेना देना पेमेंट का जो भी, मेरा बेटा तो मुस्लिम लोगी, उसका साथ एक हेल्पर की वजह से था कि मैं इसके साथ 15 साल से 12 साल से दोस्ती है, चल हम इतवा चलते, चल भाई चल। कभी भी आपस में मना नहीं किया था, एक दूसरे के बहुत अच्छे हमदर्द थे, दोस्त थे। लेकिन ये नहीं पता था कल का दिन ऐसा हो। केमिकल का भी काम था इनका और वजीरपुर में भी 2-3 साल से काम किया था बर्तनों का। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला 20 लाख रुपए के लेन देन का था, जिसे लेने सुरेंद्र संदीप की फैक्ट्री गया था। वहीं संदीप ने दोनों की हत्या कर दी। अमित की हत्या कर सुरेंद्र की गाड़ी में शव डालकर उसे वजीराबाद खड़ी कर दी, जबकि सुरेंद्र का शव फैक्ट्री में लिफ्ट के नीचे बोरे में बंद कर छिपा दिया। तिमारपुर थाना पुलिस ने गाड़ी के आधार पर चंद घंटों में ही 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामला सुलझा दिया। आगे की जाँच नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल हैरान करने वाला है कि क्या एक अच्छा कारोबारी और रिश्तेदार महज 20 लाख रुपए के लिए इस तरह की हत्या कर सकते हैं? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर